यार मुंबई इंडियंस को ना कभी भी हल्के में मत लेना, ये ऐसी टीम है जो मतलब यार जीतना जानती है। शुरुआत इनकी भले ही जैसी भी हो लेकिन आखिरी में जैसे तैसे करके ये लोग टॉप फोर में पहुंच ही जाते हैं। कल भी मतलब यार इन लोगों ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया और मैं कहना चाहूंगा भाई ये लोग डिजर्व करते यार। इनकी बोलिंग भी मतलब यार स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, इनकी बैटिंग तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हार्दिक पंड्या के लिए डेफिनेटली अब बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। शायद उनको मतलब यार रियलाइज होगा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई इंडियंस सुपरस्टार प्लेयर्स को खरीदती है वो बहुत ही ज्यादा गलत था। मतलब रोहित शर्मा का बदला लेने का तरीका भी देखो ना, उनकी भाई की टीम को उस प्लेयर से हराया जो उन लोगों ने बनाया था। तो मैं कहना चाहूंगा मुंबई इंडियंस यार सही में मजा आ गया, सही बता रहा हूँ। तो देखते हैं मतलब यार हार्दिक पंड्या की टीम को अभी लोग हरा पाते नहीं हरा पाते, लेकिन जो भी हो कल इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं जहां पर मैं इस मैच में हुए बेस्ट और वर्स्ट के बारे में बात करूंगा। अब आज मैंने बेस्ट नंबर वन में रखा है आकाश मधवाल को। देखो मुंबई इंडियंस की ना इस साल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बताए, इनकी बोलिंग जो कि मतलब यार बहुत ही ज्यादा बेकार थी। सिर्फ पीयूष चावला ऐसा बॉलर था जो मतलब यार टाइम टाइम पे स्टेप अप कर रहा था, लेकिन यार इनका जो पेस डिपार्टमेंट था ना वो बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है आकाश मधवाल की जो कि मेरे होम स्टेट उत्तराखंड से है। भाई जब से ये बंदा आया ना मुंबई इंडियंस के फॉर्च्यून पूरे बदल गए हैं पता है। पहले इस बंदे ने मतलब यार डेथ में बहुत ही ज्यादा कमाल की बोलिंग कराई पहले के मैचेस में, उसके बाद इस बंदे ने पावर प्ले में भी बोलिंग करानी स्टार्ट की, वहां पर कोई इस बंदे ने विकेट लिए, पिछले ही मैच में इसने बहुत ज्यादा विकेट लिए थे और कल तो जो इसने प्ले ऑफ में 5 विकेट ले रखे ना भाई, प्ले ऑफ में शायद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी बॉलर का इसी के नाम होगा। और यार विकेट भी ऐसे छोटे मोटे नहीं थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मानकर बहुत ही कमाल की पारियां खेलते हुए आ रहा है। उस बंदे को इसने जल्दी आउट कर दिया, फिर बडोनी जो कि मतलब यार इनका राइजिंग सुपरस्टार था वो बंदा भी आउट हो गया, निकलेस पुरन को इसने पहली बॉल पे मतलब यार आउट कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा यार इसका जो बोलिंग परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा है। मुंबई इंडियंस को अगर ट्रॉफी जीतनी है ना तो आकाश मधवाल का ऐसा ही परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार जो बाकी की दो टीम्स है ना जैसे गुजरात टाइटंस होगी या फिर सीएसके होगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। देखो यार गुजरात टाइटंस को मतलब तुम लोग नकार नहीं सकते हो, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग साइड है। सीएसके के पास भी मतलब यार पथिरामा के रूप में बहुत ही कमाल का बॉलर है, चैलेंज इनके सामने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं मतलब यार मुंबई वाले कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन मुझे फुल फेथ है, मुझे लग रहा है शायद ये लोग फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं मतलब इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब आज मैंने फर्स्ट नंबर वन में रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। मतलब यार कल इन लोगों ने दो बहुत बड़े ब्लंडर किए। सबसे पहला ब्लंडर था कृणाल पांड्या की कैप्टनसी, जो मुझे लगा कि बहुत ही बेकार कैप्टनसी करके गया इस आईपीएल में। दूसरा मतलब यार इनका जो टीम मैनेजमेंट है भाई, कितने ज्यादा चेंजेस कर रखे हैं इन लोगों ने अपनी टीम में। तो इन दोनों की वजह से मुझे लगता है कि कल लखनऊ सुपर जायंट्स हार रखी है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कृणाल पांड्या की कैप्टनसी की। देखो मतलब यार पिच रिपोर्ट में ना साफ मेंशन था कि यार शुरुआत के ओवर्स में ना पेस बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद थी। तो गैस करो कृणाल पांड्या किनके साथ शुरुआत करता है, भाई स्पिनर्स के साथ है। लेकिन 3 ओवर्स में स्पिनर्स ने कराई जिसका फुल फायदा उठाया मुंबई इंडियंस वाले ने। मतलब यार रोहित शर्मा और ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके सामने मतलब यार पेसर्स को लाना चाहिए था ऐसा मुझे लगा। इसने मतलब यार स्टार्टिंग भी बहुत ज्यादा बेकार की, उसके बाद इसको पता नहीं कहां से थोड़ी बहुत अकल आ गई तो अगले 2 ओवर इसने मतलब यार पेसर्स को दे दिए, जिन्होंने मतलब यार ईशान किशन और रोहित शर्मा को आउट भी कर दिया। लेकिन आखिरी ओवर इसने कहा कि नहीं कराऊंगा पावर प्ले का, और वहां पर कोई बंदा 14-15 रन के लिए शायद पिट गया। मैं कहना चाहूंगा इनकी जो स्टार्टिंग थी ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार हुई। चेन्नई जैसी पिच में अगर यार पावर प्ले में 6 ओवर में 60 रन बन जा रहे हैं तो यार वो बहुत ज्यादा होता है सही में। तो मुझे लगा कि यार लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने पावर प्ले में बहुत ही गंदा काम किया। उसके बाद मतलब इनके मैनेजमेंट की बात करते हैं जहां पर कोई इन लोगों ने एक बार फिर बहुत ज्यादा चेंजेस किए। देखो इनका जो ओपनिंग प्लेयर है ना लास्ट 4 मैचेस से बदलता हुआ आ रहा है, कल भी इन लोगों ने मतलब यार क्विंटन डिकॉक को बाहर कर दिया। मतलब यार इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाओ ना, जिन्होंने मतलब यार तुम्हें जिताया उसके साथ उतरो। नहीं भाई कल भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, काइल मेयर्स को लेके आ गए तो वो बंदा भी मतलब यार कुछ खास कर नहीं पाया। दूसरा मतलब यार दीपक हुड्डा को टीम में क्यों लेके आए, वो बंदा यार पूरे आईपीएल में मतलब इतना गंदा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में इन्वॉल्व होता ना दीपक हुड्डा को तो मैं ऐसे बड़े मुकाबले में कभी भी नहीं लेता। वो बंदा खेलने आया पहले तो मतलब यार उसने रन भी बनाई ठीक है, दूसरा वो 3 बार रनआउट में इन्वॉल्व था। पहली बार मतलब यार शायद उसी की गलती थी दीपक हुड्डा की, दूसरी बार तो चलो उसकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी इन्वॉल्व तो था वो, तीसरी बार खुद अपना ही आउट हो गया यार रनआउट में। तो मैं कहना चाहूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स ने ना कल बहुत ही ज्यादा गंदा गेम खेला है, डेफिनेटली दे डिजर्व टू लूज यार। मतलब इतना गंदा गेम खेलोगे तो कैसे जीत सकते हो तुम लोग। मुंबई इंडियंस डेफिनेटली इनके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी, लेकिन जो भी हो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक मौका तो था यार। ये लोग नहीं पहुंचे ना ये इन्हीं की गलती है, मतलब यार बहुत ज्यादा इन लोगों ने ब्लंडर कर रखे हैं। तो आई होप अगले सीजन में अब यार ये लोग कुछ अच्छा करें, क्योंकि यार ये सीजन तो मतलब कुछ खास रहा नहीं है, लड़ाइयां इतनी ज्यादा हुई है। नवीन उलग सबसे ज्यादा हेटेड पर्सन बन गया इनकी टीम का, गौतम गंभीर भी हर जगह ट्रोल होते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स का जो ये सीजन है बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है भाई। अब आज मैंने बेस्ट नंबर 2 में रखा है मुंबई इंडियंस की टीम को। मतलब यार इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो इनकी बैटिंग है जो हमेशा डिलीवर करती आ रही है। रोहित शर्मा और ईशान किशन मतलब यार स्ट्रगलिंग वाली फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पहले के 3 ओवर में 30 रन बना दिए थे। तो मैं कहना चाहूंगा स्टार्ट अच्छी थी लेकिन उसके बाद ये दोनों आउट हो गए। मतलब यार कन्वर्ट करना चाहिए था, बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद मतलब यार ग्रीन आया जिसने वहीं से मतलब स्टार्टिंग की जहां पर कोई छोड़ के गया था पिछले मैच में। मतलब यार इसने शतक बनाया था, कल भी मतलब आते आते चौका
चौका मार के गया। मैं कहना चाहूंगा इसने और सूर्य कुमार यादव ने इंश्योर किया कि मुंबई इंडियंस पावर प्ले का फुल यूज करके जाएगी। 6 ओवर में इनका स्कोर 60 रन था। क्या लोगे यार, भले ही 2 विकेट खो दिए थे लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये लोग ना बहुत ही कमाल के स्ट्रोक खेले थे। ग्रीन खासकर मतलब इस बंदे ने कल मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया। मैं सोच रहा था मतलब यार स्पिन के खिलाफ ये बंदा स्ट्रगल करेगा लेकिन जिस तरह से स्पिन को खेला ना, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा कमाल की बैटिंग की। उसके बाद मतलब यार अगर आप लोग सोचते हो कि ये दोनों आउट हो गए तो इनकी पूरी बैटिंग लड़खड़ा जाएगी भाई। उसके बाद आता है तिलक वर्मा, उसके बाद आता है टिम डेविड, उसके बाद है निहल वधेरा। इतनी डीप बैटिंग है भाई इन लोगों की। मतलब यार टिम डेविड भले ही आउट हो गया वो कॉन्ट्रोवर्शियल मैनर में, मतलब यार वो नो बॉल थी या नो बॉल नहीं थी इस पे मतलब यार डिबेट किया जा सकता है, लेकिन वो बंदा कल जल्दी आउट हो गया। तिलक वर्मा ने थोड़ी देर मतलब संभाला हुआ था, एक छक्का भी मारा उस बंदे ने लेकिन यार वो भी ज्यादा टिक नहीं सका। लेकिन वहां पर कुछ स्टेप अप कर जाता है निहल वधेरा, जिसने क्या कमाल की फिनिश दी यार। 182 रन इस पिच पे, मतलब यार पिछली मैच में चेन्नई वाले 170 में जीत गए थे। यार इन लोगों ने काइंड ऑफ इंश्योर कर दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स वाले नहीं जीत पाएंगे करके। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी जो बैटिंग है ना कल बहुत ही ज्यादा कमाल की रही है। ऑल्दो मतलब यार मिडिल ओवर्स में इनकी जो पारी है वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, लेकिन यार फिनिश इन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं कहना चाहूंगा मुंबई इंडियंस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो डिलीवर कर रहा है। होप करता हूं ऐसा ही परफॉर्मेंस ये अगले मैच में भी देंगे, क्योंकि यार गुजरात टाइटंस कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। और अगर वो लोग चेस कर रहे होंगे उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखते हैं मतलब हार्दिक पांड्या को हरा पाती है रोहित शर्मा की ये टीम या नहीं। लेकिन आज का रिव्यू बस इतना ही है, होप आपको पसंद आया होगा।